दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर दौरे पर आए जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया ने विभागीय अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक, अफसरों ने खस्ताहाल छात्रावासों के लिए मांगा बजट। चित्तौड़गढ़ में 8 दिन बाद पिंजरे में फंसा खतरनाक पैंथर, वन विभाग ने 20 कैमरों से रखी नजर, 12 पिंजरे लगाए, दहाड़ते हुए काटने का किया प्रयास, जबड़े में आई चोट, 3 लोगों पर हमले में एक की जान जा चुकी है। राजसमंद में जिम्मेदारों की अनदेखी से बदहाल भगत सिंह सर्कल, गोविंद चौक में बने भगत सिंह सर्कल पर लगी जालियां हो गई चोरी, सर्कल पर बैठे रहते हैं लावारिस पशु, प्रचार प्रसार के लिए लोगों ने लगा दिए पोस्टर। डूंगरपुर के 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन का इंतजार, एसएफआई ने एसबीपी कॉलेज में प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूका, 2700 सीटों पर ही मिला प्रवेश, छात्रवृत्ति का भुगतान सहित प्रोफेसर के रिक्त पद भरने की है मांग। बांसवाड़ा में माही बांध के 10 गेट खुले, मध्य प्रदेश से आया पानी, रात को डैम के 4 गेट और खोले, माही हाइडल फर्स्ट के लिए छोड़ा 4,500 क्यूसेक पानी। प्रीति शक्तावत ने दिया वल्लभनगर की कच्ची बस्ती के विकास के निर्देश, बस से उतरी युवती के साथ छेड़छाड़, सलूमर नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जाप्ता तैनात। सलूमर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक रही हंगामेदार, बैठक में घटिया रोड एवं नहर निर्माण, फसल खराबे, पैंथर एवं पैराफेरी गांवों की समस्या को लेकर उठे मुद्दे, नगरपालिका ईओ एवं पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति से सदन हुआ नाराज। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर दौरे पर रहे जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामनिया ने टीएडी आयुक्तालय सभागार में एक बैठक ली, प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल और टीएडी आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी की मौजूदगी में मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि सरकार आदिवासी इलाकों के विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है, ऐसे किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के स्वीकृत कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। वहीं प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने भी कहा कि कार्यों में पूर्व गुणवत्ता का साथ विशेष ख्याल रखते हुए पूरा उपयोग करें। बैठक में टीएडी परियोजना अधिकारी, सीईओ और कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, छात्रावासों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की। दरअसल अधिकारियों ने कहा कि विभाग नए कार्यों पर फोकस करने के साथ ही मरम्मत के कार्यों को भी करने की स्वीकृति दे। इस पर मंत्री बामनिया सहमत नजर आए। बैठक के बाद मंत्री बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण के आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाला पैंथर आखिरकार पकड़ा गया। पिछले 8 दिन से उसे पिंजरे में फंसाने का प्रयास चल रहा था। पैंथर ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। सोमवार शाम पैंथर घूमते हुए आबादी क्षेत्र में आया और पिंजरे में फंस गया। उसे पकड़ने के लिए 20 कैमरों से नजर रखी जा रही थी, 12 पिंजरे लगाए गए। डीएफओ डॉक्टर टी मोहन राज ने बताया कि करीब 40 वनकर्मी पैंथर को पकड़ने में लगे हुए थे। वह काफी खूंखार है और पिंजरे में लोडिंग करने में भी काफी परेशानी हुई। पिंजरे के अंदर ही पैंथर ने कई बार परेशान किया। वह इतना छटपटा रहा था कि उसे गाड़ी में लोड करने में दिक्कत हुई। दहाड़ और पिंजरे को काटने के दौरान उसके जबड़े में चोट लग गई। इलाज के बाद उसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। नाथद्वारा शहर के गोविंद चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने भगत सिंह सर्कल जिम्मेदारों की अनदेखी और बेरुखी के चलते बदहाल अवस्था में पहुंच गया है। सर्कल के चारों तरफ सुरक्षा के लिए लगी जालियां चोरी हो गई हैं। सर्कल पर लावारिस पशु बैठे रहते हैं, फिर भी नगरपालिका के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं जाता। शहरवासी और भगत सिंह को चाहने वाले भी उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने आते हैं तो फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। बदहाल पड़े सर्कल पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मूर्ति का अनावरण नगर के तत्कालीन समाज सेवी टेकन दास उर्फ राम राम की ओर से नगरपालिका को सौंपा गया था। उस समय प्रशासक लक्ष्मी नारायण शर्मा और अधिशासी अधिकारी नारायण सिंह चारण ने मूर्ति का अनावरण किया। नादवारा वासियों का देश की आजादी में विशेष योगदान रहा था। नादवारा से 145 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। नादवारा के लोगों के मन में शहीद भगत सिंह के प्रति इतना प्रेम था कि शहर के गोविंद चौक में भगत सिंह सर्कल का निर्माण कर उनकी मूर्ति स्थापित की थी। मूर्ति स्थापना का मकसद यह था कि आने वाली पीढ़ी भगत सिंह को याद कर उनके बताए मार्ग पर चले। आजादी के हीरो भगत सिंह का सर्कल नादवारा में लावारिस पशुओं का आश्रय स्थल बनकर रह गया है। सर्कल के चारों तरफ सुरक्षा के लिए लगाई गई जालियां चोरी हो जाने के बाद से सर्कल के चबूतरे पर लावारिस पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। रिचका बेचने वाली महिला भी सर्कल के आसपास बैठ जाती है। सर्कल के चारों तरफ टेम्पो और ठेला गाड़ी वाले खड़े हो जाते हैं। सर्कल से पार्किंग तक ऑटो का संचालन किया जाता है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने मंगलवार को डूंगरपुर में एसबीपी कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रवेश से वंचित 15,000 छात्रों को प्रवेश देने समेत कई मांगे रखी।
SFI के छात्र आज सुबह श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय गेट के सामने एकत्रित हुए। इसके बाद SFI के राज्य उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष फाल्गुन भराड़ा के नेतृत्व में कॉलेज परिसर के अंदर से मुख्य गेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। छात्रों ने मुख्य गेट को बंद कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह का पुतला फूंका। प्रदर्शन के बाद CM अशोक गहलोत के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य उपाध्यक्ष फाल्गुन भराड़ा ने कहा कि SBP कॉलेज में सभी संकाय में 2700 सीटें हैं। 18,000 छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया, बावजूद इसके सरकार ने 2700 सीटों पर ही प्रवेश दिया है। 15,000 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए। ऐसे में प्रवेश से वंचित विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। SFI ने कॉलेज में रिक्त पड़े व्याख्याताओं के पद भरने, प्रथम वर्ष में प्रमोट किए विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क को अगली कक्षा के परीक्षा शुल्क में समायोजित करने समेत कई मांगे रखी है। SFI ने इन मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी है। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। बांसवाड़ा में सोमवार रात को एक घंटे तक तेज बारिश हुई। इस दौरान पुराने शहर की संकरी गलियों में बाढ़ जैसे हालात बनते दिखाई दिए। दुकानों के बाहर सीढ़ियों तक पानी बहा। बारिश के दौरान पूरे शहर की बिजली गुल रही। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जारी बारिश के चलते माही डैम के बैक वाटर में पानी की आवक 38,473 क्यूसेक पर पहुंच गई है। इसके चलते रात 8:30 बजे डैम के 4 और गेट खोल दिए गए। इससे पहले रात 8 बजे तक 6 गेट ही खुले हुए थे। पानी की आवक के साथ करीब 4500 क्यूसेक पानी से माही हाइडल फर्स्ट में 48 मेगावाट बिजली प्रति घंटा की रफ्तार से बनती रही। नहर में PH2 के लिए पानी छोड़ने के अलावा बाकी पानी को कागदी नाले में बहाया गया। रात 8:30 बजे माही की सहयोगी नदी एराव में पानी का बहाव आधा मीटर था। बाजना मध्य प्रदेश में पानी का गेज 288.75 मीटर पर था। माही डैम का जलस्तर 281.50 के जवाब में 281.35 मीटर था। इधर जिले में 15 बरसात पॉइंट पर 24 घंटों के दौरान केवल बागीदौरा में 14 mm बरसात दर्ज की गई। बाकी के सभी पॉइंट पर बरसात का आंकड़ा शून्य रहा। बांसवाड़ा में औसत बारिश की बात करें तो 1 जून से अब तक 10,913 मिलीमीटर बारिश है। वल्लभनगर उपखंड मुख्यालय की कच्ची बस्ती निवासियों की समस्याओं को लेकर प्रीति शक्तावत ने सोमवार को कच्ची बस्ती में पहुंचकर समस्याओं का जायजा लेकर निवारण करने के निर्देश दिए। वल्लभनगर पंचायत की कच्ची बस्ती का दौरा शक्तावत ने क्षेत्र में गरीब परिवारों से संपर्क किया और रास्ते में मुख्य समस्याओं से बस्तीवासियों ने अवगत कराने पर हाथों हाथ सरपंच दुर्गा देवी गुजर से बातचीत कर समस्या का निराकरण भी करवाया, जिस पर मोहल्लावासियों ने शक्तावत का अभिनंदन किया। सरपंच दुर्गा देवी गुजर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार गुजर, ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष लच्छीराम गुजर, मांगीलाल जाट, सरपंच अध्यक्ष वीरेंद्र जोशी, पूर्व यूथ महासचिव एडवोकेट कैलाश मेघवाल, डालचंद नागदा, महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अल्लाह नूर मंसूरी मौजूद थे। सलूमर नगर के चुंगी नाका पर सोमवार देर शाम को बस से उतरी एक युवती के साथ फप्तियां कसते हुए छेड़छाड़ करने पर नगर के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। देर शाम को उदयपुर से बस में बैठकर सलूमर पहुंची युवती चुंगी नाका पर बस से उतरकर एक तरफ अपने भाई का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान चुंगी नाका पर खड़े 2 युवक सलूमर निवासी युवती को अपशब्दों का उपयोग करते हुए फप्तियां कसते हुए परेशान करते रहे, जिस पर युवती ने मौके पर ही उनका विरोध किया और आसपास लोगों की मदद भी मांगी। विरोध को देखते हुए दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। युवती ने घटना की सूचना तत्कालीन अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुकेश साखला एवं पुलिस कंट्रोल रूम को उक्त घटना की जानकारी दी, जिस पर तत्काल पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। चुंगी नाका पर युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना नगर में फैलते ही बड़ी संख्या में नगरवासी एकत्रित हो गए तथा घटना का विरोध करते हुए थाने पहुंच गए। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर रवाना कर दी। घटना की सूचना पर सलूमर पुलिस वृत्ताधिकारी सुधा पालावत एवं थानाधिकारी हनवंत सिंह सोडा ने नगरवासियों के साथ समझाइश करते हुए कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया। दोनों आरोपी को अल सुबह ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
सलूम्बर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में विधायक अमृतलाल मीणा, प्रधान गंगा मीणा, उप प्रधान देवेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट सोहनलाल चौधरी, विकास अधिकारी अनिल पहाड़िया, तहसीलदार रामचंद्र खटीक, सहायक अभियंता BWD मणिलाल मेघवाल, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संपतलाल मीणा, सहायक कृषि अधिकारी कल्प वर्मा समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से लोदा से इडाना के 7 किलोमीटर लंबे सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वितीय चरण में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट सोहनलाल चौधरी ने फसल खराबी, मेवल क्षेत्र के 73 गायों के पीने के पानी की योजना तथा क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण किए जाने तथा गारंटी अवधि में रोड के टूट जाने, पैंथर को पकड़कर आमजन को निजात दिलाने तथा आपदा प्रबंधन के तहत आकाशीय बिजली गिरने से, पेड़ गिरने से जनहानि एवं पशु हानि होने, बरसात में मकान गिर जाने पर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र मेहता ने नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र में आबादी परिवर्तन का शुल्क लिए जाने के बावजूद भी आधारभूत सुविधा नहीं दिए जाने, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण सिंह ने धारोद में रोड के क्षतिग्रस्त होने एवं बस्सी में नहरों से सीवरेज, उप प्रधान देवेंद्र सिंह ने घटिया नहर निर्माण एवं बस्सी में सड़क के गारंटी अवधि में टूट जाने, पंचायत समिति दीपिका जैन ने महिला को सैनिटरी नैपकिन दिए जाने तथा कोविड वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोई मैसेज नहीं आने, सरपंच अमरलाल मीणा ने डगार में रोड के टूट जाने पर सीसी निर्माण करने, पंचायत समिति सदस्य गीता कलाल ने सेरिया में 15 दिनों से पानी की किल्लत होने, जिला परिषद सदस्य रोडीलाल मीणा ने इडाना गांव के लोगों को झूठे मामले में फंसाने, पंचायत समिति सदस्य कल्पना मीणा ने इटालीखेड़ा में बिजली के बार बार कट जाने, पंचायत समिति सदस्य भेरूलाल मीणा ने विद्यालय में अध्यापक की कमी होने, पंचायत समिति सदस्य भंवर सिंह ने रंदेला में सीसी रोड निर्माण तथा बरोड़ा में चौराहा रिपेयरिंग करने की बात उठाई। सदस्यों ने मेवल क्षेत्र की नदियों में एनीकट बनाए जाने की बात को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों दो मोटर के एनीकट बनाए जाने का प्रस्ताव नरेगा व अन्य योजना के तहत कराए जाने को कहा। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।